मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना असेंबली इजलास के दौरान ग्रीन टैक्सेशन और बैन रियासती लॉरी टैक्स का मसला उठाया, जिसका पोवड़ा अजय कुमार वजीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना ने जवाब दिया। देखिए नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज का क्या कहना है। ऑनरेबल स्पीकर सर, अभी जैसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जो बिल पेश किया है टैक्सेशन का, उसके ऊपर न सिर्फ हमारी पार्टी तायद करती है, मगर मैं दो तीन पॉइंट्स आपके जरिए से मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाह रहा हूं। सर सर, जब से हमारा आंध्र और तेलंगाना में तेलंगाना सेपरेट हुआ सर, करीब 8 साल हो गए सर। ये 8 साल के अंदर जो लारी ओनर्स है सर, इन लोग को आंध्रा को अगर जाने के लिए एक वीक का टैक्स 1500 से 3000 रुपये हो रहा है सर। इसके ऊपर सिंगल उसके कास्टिंग एक दिन के लिए भी जाके आया तो उन्हें वाइस वर्सा उसके कास्टिंग 1500 से 3000 होती सर। इसके ऊपर भी हम रोशनी डालते हुए हमको कैसा करना है सर, ये लारी ओनर्स को बताना है। और इसके साथ साथ सर, ग्रीन टैक्सेशन का जो है सर, करीब ग्रीन टैक्सेशन के अंदर एक लारी को बिफोर मार्च 2022 एवरी ट्रक लारी वॉज पेइंग 250 to 300 पर ईयर एज ए ग्रीन। और उसके साथ साथ सर, ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है सर, क्वार्टरली टैक्स 7 साल से 10 साल के जो व्हीकल्स सर, इसके ऊपर जो टैक्स ले रहा है, और 10 इयर्स to 12 इयर्स के ऊपर जो टैक्स ले रहा है सर, ये बहुत ज्यादा है सर। जैसा आप जानते हैं कि 10000 रुपए 7 साल से 10 साल के व्हीकल्स को ले रहा है सर, और 10 साल से 12 साल के व्हीकल्स को 10000 रुपए पर ईयर से लेके 20000 तक ले रहा सर। इसके ऊपर भी रोशनी डालना सर, चूंकि तेलंगाना के अंदर 90% ट्रक जो है सर वो पुराने ट्रक्स है सर, इन लोग मर जा रहे हैं सर। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से सीएम साहब के साथ साथ मिनिस्टर साहब को, इन लोग के ऊपर भी देखिए सर। आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टोटल ठप हो गई सर, जैसा आप जानते हैं कोविड के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो गई थी सर, इसके ऊपर भी रोशनी डालिए। मैं आपकी बिल की तायद करना चाहता हूं और उम्मीद करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से जो उठाए गए उसके ऊपर आप प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।